गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करना है आयोडीनेटिंग रिएजेंट और आयोडीनेशन वाया रेडिकल मैकेनिज्म। जैसे हमने सब इंस्टीट्यूशन रिएक्शन ऑफ रेडिकल के अंदर ब्रोमिनेशन या ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ा था, क्लोरीनेटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे आयोडीनेटिंग रिएजेंट। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम यूज में लेते हैं PHIOAC2। यह आपका फेनिल आयोडो एसिटेट विथ आयोडीन। अगर आप यूज में लेते हैं तो यह कहलाएगा आपका आयोडीनेटिंग रिएजेंट, जो कि रेडिकल मैकेनिज्म से आपके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर आयोडीन सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी आपके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर आयोडीन देखने को मिलेगा। तो आयोडीनेटिंग एजेंट हेटरो एटम के साथ आयोडीन बाइंड करता है स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर। देखिए आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है एल्कोहल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपके पास बॉन्ड है, आपने ये रिएजेंट लिया आयोडीनेटिंग रिएजेंट जो कि पूरा है फेनिल आयोडो डाइएसिटेट विथ I2। तो क्या मिलेगा आपके पास, प्रोडक्ट मिलेगा ROI, दिस वन इज ROI, हेटरो एटम के साथ आयोडीन को उसने बाइंड अप किया, R बॉन्ड O बॉन्ड I। आप बोल सकते हो एल्कोक्सी आयोडीन इसे बोल सकते हो आप। होता क्या है, पहले स्टेप के अंदर ये मैकेनिज्म में फुल रेडिकल मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म हम देख लेते हैं वन बाय वन मैकेनिज्म, दिस वन ऊपर लेता हूं मैं। आपके पास टू मॉलिक्यूल है, दिस वन इज टू मोल ऑफ ROH, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, और आपने लिया है फेनाइल आयोडीन डाई एसिटेट, दिस वन ओ सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3। तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का लोन पेयर आयोडीन के ऊपर अटैक तो ये एसिटेट गैप, इसी तरह दूसरे अल्कोहल का लोन पेयर आयोडीन के ऊपर अटैक तो दूसरा एसिटेट गैप, तो क्या बनेगा आपके पास, फेनिल आयोडीन डाई अल्कोक्साइड। इस कंडीशन में ये जो आपका प्रोडक्ट बना ए फेनिल डाई अल्कोक्साइड, जो आपका लिंकेज है दिस वन, इसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ अगर आप चाहें तो, दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। अब ये आपका ऊपर OR, नीचे आपका OR, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को है मैं रेड से मार्क करता हूँ, दिस वन इज बॉन्ड, सॉरी रेड से मार्क करना है ना, तो रेड कलर लेते हैं। ये आपके पास बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। वॉट इज होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो हर एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो क्या बनेगा मेरे पास RO रेडिकल, इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो जो आयोडीन है वो तो बन जाएगा आपका, और एक ये बन जाएगा आपका PHI, ओके फिनाइल आयोडाइड, और दो मिलेंगे आपके पास टू मोल ऑफ एल्कोक्साइड रेडिकल RO रेडिकल। अब वापस से आप इस RO रेडिकल के रिएक्शन, हमारे पास क्या लिया था साथ में, आयोडीन लिया था हमने सेकेंड स्टेप में, I2 लिया था, तो I2 को हम लिख सकते हैं I बॉन्ड I, इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और आपको क्या मिलेगा, एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, आपके पास टू I डॉट मिलेंगे, ठीक है। अब ये I डॉट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग, तो ऑक्सीजन आयोडीन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो आपके पास बन गया R बॉन्ड O बॉन्ड I, मेरे पास बन गया प्रोडक्ट हेटरो एटम के साथ आयोडीनेटिंग या आयोडीन आपका ऐड हो गया, यही मेरा आज का प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है दिस वन, ओके। तो क्या हुआ मेरे पास, वापस से एक बार चेक कर लेता हूँ, स्टार्टिंग मटेरियल में मेरे पास है एल्कोहल, दिस वन इज एल्कोहल, मेरे पास रिएजेंट है फेनिल आयोडीन डाई एसिटेट, दिस वन, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल इस आयोडीन के ऊपर अटैक करेंगे और एसिटेट को एलिमिनेट करेंगे, तो मेरे पास बनेगा दिस PHIOR। अब यहाँ पे मेरे पास या तो फोटोलिटिक कंडीशन होगी HNU या हीटिंग कंडीशन होगी, तो A से मेरे पास क्या मिलेगा, एक मिलेगा फिनाइल आयोडाइड और दूसरा मिलेगा मेरे पास दो मोल ऑफ RO रेडिकल, फिर आप ले रहे हो आयोडीन, तो आयोडीन से मिलेगा रेडिकल I डॉट और सेकेंड रेडिकल RO डॉट के साथ कंबाइंड होकर हो जाएगा मेरे पास अल्कोक्साइड ROI, ठीक है। तो मेरे पास यही प्रोडक्ट है मेरे पास ROI।
अब मुझे अगर एरो के ऊपर ये कंडीशन दे रखी है, आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है ऑक्सीजन हेट्रो एटम कंटेनिंग, कार्बन हेट्रो एटम कंटेनिंग स्टार्टिंग मटेरियल है, आपके पास एरो के ऊपर कंडीशन है पी एच आई ओ ए सी ट्वाइस विद आई टू, तो आप डायरेक्टली क्या बना सकते हो, आर ओ आई बना सकते हो मॉलिक्यूल के अंदर। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम मैकेनिज्म में नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। दिस वन ये आपका हेट्रो एटम आर वन आर टू और हेट्रो एटम के साथ ये आपके पास एच। एरो के ऊपर कंडीशन क्या है, आयोडिनेटिंग एजेंट है, एक है पी एच दिस वन पी एच आई ओ ए सी ट्वाइस एंड सेकेंड है आई टू एच न्यू कंडीशन में। बस क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन से, ये मेरा प्रोडक्ट। ओके, इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास दिस वन स्टार्टिंग मटेरियल, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। एरो के ऊपर कंडीशन क्या है, I2 टू एंड पी एच आई ओ ए सी ट्वाइस जो कि आयोडिनेटिंग रिएजेंट है, तो मेरा क्या होगा, आयोडिनेटिंग रिएजेंट है तो पहला कंडीशन तो ये होगा ये H I से रिप्लेस हो जाएगा, दिस वन इज I से रिप्लेस हो गया फर्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट था, ऊपर वाले को मैं लिखता हूँ फर्स्ट, और सेकंड स्टेप फिर से एच न्यू दे रखी है। तो ये जो सेकंड स्टेप एच न्यू है ये आपका बार्टन ईस्टर नाइट्राइल सिंथेसिस की तरह आपको यूज में आएगा, मीन्स नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके गामा पोजीशन यानी अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा पोजीशन के ऊपर साइक्लाइजेशन देखने को मिलेगा। तो पहला एच न्यू करवाया आपने तो नाइट्रोजन आयोडीन बॉन्ड ब्रेकअप हुआ और आपके पास बना नाइट्रोजन रेडिकल। सेकेंड इसने क्या किया, फिफ्थ पोजीशन के कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन था, सॉरी 1, 2, 3, 4 एंड 5, उस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके फिफ्थ पोजीशन के ऊपर रेडिकल जनरेट किया, तो ये बन गया आपका रेडिकल सॉरी ये बन गया आपके पास रेडिकल। ये रेडिकल आई डॉट से कंबाइंड होके फिफ्थ पोजीशन के ऊपर कार्बन आयोडीन आपका बना। अब नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पर अटैक करके साइक्लाइजेशन बना दिए, तो ये साइक्लाइजेशन बन गया, ठीक है। और जो नाइट्रोजन के ऊपर H प्लस चार्ज आएगा जब इसने लोन पेयर डोनेट किया, तो यहाँ पे H प्लस चार्ज आया और यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन की कोई भी कॉन्जुगेटेड बेस एक्सेप्ट कर लेगा और कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और आपके पास बनेगा प्रोडक्ट दिस, जिसे मैं येलो से मार्क करता हूँ। तो इसके अंदर दो रिएक्शन एक साथ है, पहले रिएक्शन आयोडिनेशन आयोडिनेटिंग रिएजेंट किए और सेकंड आपका बार्टन नाइट्राइल ईस्टर सिंथेसिस की रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है, जिसमें आपको साइक्लिक एमीन देखने को मिलता है। देखिए बार्टन ईस्टर नाइट्राइल आपको क्या था, साइक्लिक एमीन, यही था ना, इसके ऊपर जस्ट जो मैंने रिएक्शन पढ़ी थी ये साइक्लिक एमीन वाली, कौन सी रिएक्शन थी, ये थी सॉरी हॉफमन लॉफलर फ्रैत्याग रिएक्शन। हॉफमन लॉफलर फ्रैत्याग में तो एसिडिक कंडीशन दे रखा होता है, और जो आपका बार्टन वाला जो था, जो मैं आपको बता देता हूँ, एक था बार्टन ईस्टर नाइट्राइल सिंथेसिस जिसके अंदर फाइव मेंबर रिंग भी एक बार प्रिपेयर होता था, दिस वन, ये यहाँ पे जो दिख रहा है बार्टन नाइट्राइल सिंथेसिस, इसमें भी साइक्लाइजेशन आपको देखने को मिलता था, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होगा तो मिलेगा। तो एट प्रेजेंट टाइम हम अपने पॉइंट से भटकते नहीं है, हम अपने पॉइंट पे बने रहते हैं, दिस वन, नहीं तो कहीं से कहीं चले जाएंगे। ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसे हम सॉल्व करते हैं, जो इस टॉपिक में जो रिएक्शन पढ़ेंगे उस टाइम उसी को हम हाईलाइट करेंगे, दूसरे रिएक्शन को वहाँ पे अभी हाईलाइट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम अपने वे से भटक जाएंगे और हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो वीडियो को शॉर्ट रखना है तो हमें स्पेसिफिक कंटेंट को स्टडी करना पड़ेगा, पॉइंट से आउट नहीं होना है। अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दिस वन एन सी एल है आपके पास, एन दिस वन सी एल, और आपके पास कंडीशन क्या दे रखी है, ये दे रखिए पहला एसिडिक कंडीशन है, फिर फोटोलिटिक कंडीशन है और थर्ड स्टेप में, और फिर देखिए बेस, तो ये किस रिएक्शन की कंडीशन है, हॉफमन लॉफलर फ्रैत्याग रिएक्शन की कंडीशन है। तो साइक्लिक एमीन बनेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये बन गया आपके पास साइक्लिक एमीन प्रोडक्ट। अब आपके पास क्वेश्चन है, दिस वन क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए,
और एरो के ऊपर सबसे पहले कंडीशन देखिए, एरो के ऊपर कंडीशन है आई टू एंड पी एच ओ ए सी ट्वाइस, साथ में आई भी होगा, तो इसे सही से लिखिए। ये हमने रीएजेंट गलत लिखा है, ये रीएजेंट होगा आपका आई टू विद पी एच आई ओ ए सी ट्वाइस, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में रहेगा आपका डी सी एम इन रूम टेम्परेचर। तो पहले स्टेप में जो हीटरो आइटम है, यहाँ पे हीटरो आइटम कौन सा दिख रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ में क्या अटैच है, हाइड्रोजन, इसका ये आयोडिनेशन करेगा और नाइट्रोजन के साथ अटैच रहेगा आयोडीन। तो दिस वन ये हो गया, इसे ग्रीन से मार्क करता हूँ। ये कौन सी रिएक्शन है, आयोडिनेटिंग रिएक्शन है। सेकेंड स्टेप में अगर ये फोटोलिटिक कंडीशन अप्लाइड कर रहा है तो फाइव मेंबर रिंग बनेगा, डाउन द साइड है तो डाउन, पहले फोटोलिटिक कंडीशन अगर अप्लाई की, अगर मैंने फोटोलिटिक कंडीशन अप्लाइड की तो ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, नाइट्रोजन के ऊपर रेडिकल बनेगा और ये पूरा का पूरा डाउन द फेस में, तो डाउन द फेस से फिफ्थ नंबर का कार्बन खोजिए। तो ये वन टू थ्री देन आफ्टर फोर एंड ये फाइव, तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ येलो से, यहाँ पे जाके आपका डाउन द फेस में साइक्लाइजेशन होगा और आपको नीचे की ओर फाइव मेंबर का रिंग बनेगा, जो कि रेडिकल मैकेनिज्म से जो फाइव मेंबर का रिंग बनता है वो मैकेनिज्म हमने यहाँ पे यूज में लिया और नीचे आपको फाइव मेंबर रिंग बना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास एक एग्जाम्पल है, ये आपका अभी चैप्टर बड़ा है तो टाइम लगेगा इसको पूरा होने में, वन बाय वन करते हैं। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, दिस क्या दे रखा है इसके अंदर, स्टार्टिंग मटेरियल है, ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर सी एल दे रखा है यानी हीटरो आइटम दे रखा है, आपने फोटोलिटिक कंडीशन अप्लाइड की, ये बॉन्ड आपका ब्रेक और रेडिकल बना ओ डॉट और सी एल, और रेडिकल फाइव मेंबर साइक्लाइजेशन परफॉर्म करते हैं, तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो फाइव नंबर पे जो हाइड्रोजन है वो अब ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होगा और इसके ऊपर आएगा आपका क्या आएगा, दिस वन इज आपका रहा रेडिकल। अब इस रेडिकल के साथ क्या जुड़ेगा, क्लोराइन, जो क्लोरीन डॉट रेडिकल है वो, तो ये बन जाएगा आपका क्लोरीन डॉट प्रोडक्ट। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे, क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन आपका बाहर चला गया, तो आपके पास बना ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, दिस वन इज हाइड्रोजन अटैच्ड है और ये फाइव मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट रहता है, ये फाइव मेंबर रिंग। अब कोई भी कॉन्जुगेटेड बेस जो है, दिस कॉन्जुगेटेड बेस इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो कार्ब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर और आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा दिस फाइव मेंबर रिंग। ये क्या बन गया आपके पास, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर आपके पास बन गया और इसे कहते हैं हमें फ्यूरेन, फाइव मेंबर रिंग है तो फ्यूरेन कहेंगे इसे, ओके। तो ये था आपका रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू साइक्लाइजेशन, क्या था इसे लिखेंगे हम साइक्लाइजेशन वाया रेडिकल मैकेनिज्म, ओके, रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू साइक्लाइजेशन। अब हमारे पास ये आपके पास कोई प्रोडक्ट स्टार्टिंग मटेरियल है, ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल है ये, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो रेडिकल है रेजोनेट करेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो मैं नाम देता हूँ वन टू थ्री, तो टू एंड थ्री के बीच के जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके रीअरेंज होंगे, कैसे, टू के ऊपर अभी थ्री वैलेंसी है तो फोर्थ वैलेंसी कौन सी रहेगी इसके पास, हाइड्रोजन की रहेगी, तो मैं एक तो बना देता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब टू एंड थ्री के बीच में ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को मैंने शो किया पर्पल से, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका चला गया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से आया, तो इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, ये पोर्शन आपका डबल बॉन्ड में। और फिर यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन था कार्बन दो और तीन के बीच का एक इलेक्ट्रॉन तीन नंबर पे आ गया, तो तीन नंबर पे रेडिकल बनेगा, तो ये तीन नंबर जो था इसके ऊपर रेडिकल बन गया, इसे मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ। अब ये जो रेडिकल है किसी अदर रेडिकल इसके व्यंजन लाइक ओ टू ले लीजिए, लाइक ए आई बी एन ले लीजिए उसके साथ, या ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्रेट ले लीजिए उसके साथ, एक स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास एक एग्जांपल है, स्टार्टिंग मटेरियल है, उसे आपको ध्यान से देखना है और देखना है कि उसके अंदर प्रोडक्ट क्या आता है। देखिए ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल,
स्टार्टिंग मटेरियल में कौन कौन से रिएक्टिव साइट है, एक तो आपके पास OH, बाकी सारे के सारे OBNA मतलब प्रोटेक्टेड एल्कोहल है, टर्मिनल एल्कोहल आपका फ्री है, तो टर्मिनल एल्कोहल फ्री है और एरो के ऊपर कंडीशन दे रखी है दिस इज एन आयोडोसक्सिनेमाइड आपका है, मीन्स आयोडिनेटिंग रिएजेंट आपको दे रखा है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये OH जो आपकी मॉइटी है, ओके OBN देख लेते हैं, पहले स्टेप में इसे आपको ओपन कंडीशन में लिखना है। OBN जो है उसे हमने ओपन कंडीशन में लिखा 5 मेंबर रिंग बनाने के लिए। OBN क्या होता है, OBN मीन्स बेंजिलिक एल्कोहल, बेंजिलिक कंडीशन में O का प्रोटेक्शन, तो दिस O, दिस CH2 एंड दिस फिनाइल, इसको बेंजिल कहेंगे आप, ठीक। तो ये रहता है BN, दिस पोर्शन इज बेंजिल और यहाँ पे O लगा दो तो OBN हो जाएगा। तो मैंने इसको ओपन कंडीशन में लिखा, फिर ये जो था आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ से नंबर स्टार्ट किया तो 1, 2, 3, ये आपका ऑक्सीजन रहा 4 और ये CH2 रहा आपका 5 मेंबर, तो 5 मेंबर बन सकता है। अब फेज के अंदर ही है तो अब फेज के अंदर ही बनेगा। अब क्या हुआ, दिस वन यहाँ से आपने HNO कंडीशन अप्लाई की तो ये सक्सिनेमाइड रेडिकल बना जो कि मोर स्टेबल है और एक आयोडीन रेडिकल बना। ये आयोडीन रेडिकल कहाँ पे जाके बाइंड अप होगा, बेंजिलिक रेडिकल इज मोर स्टेबल देन हेटरो एटम वाला, तो ये बेंजिलिक पोजिशन के ऊपर जाके बाइंड अप होगा CH PH, यहाँ का इसका आयोडिनेशन हुआ, दिस पोजिशन का आयोडिनेशन हुआ। अब यहाँ पे आपको 5 मेंबर रिंग बनाने के लिए अटैक करवाना है ऑक्सीजन के लोन पेयर से, 5 मेंबर वाले कार्बन पे अटैक करवाइए, तो ये आयोडीन आपका बाहर निकल गया और आपको यहाँ पे अब फेस के अंदर 5 मेंबर रिंग बनेगा, दिस वन ऑक्सीजन, इसको मैं येलो मार्क से रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस 5 मेंबर रिंग बन गया आपके पास। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो एज दिस रहेगा, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो ये पार्ट्स आपका रिमेनिंग पार्ट है, ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट। सॉरी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हम, हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, दिस स्टार्टिंग मटेरियल में नाइट्रोजन के साथ क्या बाइंड अप है, हाइड्रोजन बाइंड है और इसके राइट साइड में कार्बन और डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, बाकी स्केलेटल जो है वो सेम आपके पास, इससे कोई मतलब नहीं हमारे पास। इसको मैं रीड्रॉ कर देता हूँ ताकि सही से दिखे आपको। अब वेरी इंपॉर्टेंट हमने दे रखा, इसकी रिएक्शन हमने करवाई है पहले, इसका क्या करवाना है आपको, इससे हम लिख सकते हैं, जस्ट वन मिनट, रिएक्शन इसकी किससे करवाई है ये देखते हैं। आपका स्टार्टिंग मटेरियल ये नहीं है, इसे आप खारिज कीजिए यानी कि इसे एलिमिनेट करो, रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, एक है बेंजीन, देन सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ पी एच, अगर मैं इसे ओपन कंडीशन में लिखूं तो ये रहेगा, ये आपका बेंजीन, कार्बोनिल के अल्फा पोजिशन पे बेंजीन, देन कार्बोनिल के राइट साइड ऑक्सीजन और देन फिर दूसरा बेंजीन। तो देखिए इसमें दो टाइप की रिंग है, ये जो रिंग नाम देता हूँ मैं रिंग ए और ये आपका है बी, दिस वन इज बी। अब आपको मैं बताता हूँ, रिंग बी जो है वो इलेक्ट्रॉन सफिशियंट रिंग है, बी इज इलेक्ट्रॉन सफिशियंट रिंग, और रिंग ए के अल्फा पोजीशन पे एल्डिहाइड सॉरी कीटोन है, दिस वन इज कीटोन, इसलिए बी जो है वो इलेक्ट्रॉन, ए रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिंग है, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिंग, क्यों, क्योंकि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल विड्रॉ आउट कर रहा है, जबकि अगर बी रिंग के अंदर क्या हो रहा है, बी रिंग के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस में, तो इलेक्ट्रॉन सफिशियंट रिंग कहलाएगा। और जब भी आप लेविस एसिड के साथ Cl2 लेते हैं, मीन्स ये आपका क्लोरीनेशन क्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होगी, तो कौन से रिंग के ऊपर परफॉर्म होगी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन, जो रिंग आपका कह सकते हो जो रिंग इलेक्ट्रॉन सफिशियंट रिंग है यानी कि बी रिंग के ऊपर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होगी और आपके पास बी रिंग के ऊपर दिस बी रिंग के पैरा पोजिशन पे क्लोरीन आपका अटैच रहेगा, तो ये आपका राइट प्रोडक्ट है। अगर हम इसे ओपन कंडीशन में नहीं लिखते, इसी जस्ट इस स्ट्रक्चर को
बेस स्ट्रक्चर मानते हैं तो हम क्या करते हैं कि Cl2AlCl3 दे रखा है तो हम जस्ट इस बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है इसलिए इसका मेटा पोजीशन एक्टिवेटेड है, तो मेटा पोजीशन के ऊपर क्लोरीन अटैच कर देते हैं, इस प्रोडक्ट को हम टिक करते हुए वो गलत हो जाता है। तो राइट प्रोडक्ट क्या है, सेकेंड बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन के ऊपर क्लोरीन अटैच्ड रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इसलिए हमने इसे कंसिडर किया इस एग्जाम्पल में। देख लेते हैं इसे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास जो हमारा आयोडिनेटिंग रिएजेंट है उसके बारे में। ये देखते हैं इसमें रिएक्टिव साइट कहाँ पर है, तो रिएक्टिव साइट है दिस एल्कोहल, अप फेस के अंदर है ये, अप फेस में, तो अप फेस के अंदर आपको 5 नंबर का कार्बन चेक करना है, तो दिस 1 2 दिस 1 3 4 एंड ये 5, यानी कि अप फेस के अंदर जो CH3 है वो वहाँ पर ये साइक्लाइजेशन परफॉर्म करेगा। पहले स्टेप में दे रखा है आयोडीन विथ PHIOAC ट्वाइस, मीन्स आपके क्या बनेगा, आपके पास बनेगा साइक्लिक ईथर आपको परफॉर्म होगा, क्योंकि पहले आयोडिनेशन होगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्या आएगा ये आएगा, ये जो अब फेस के अंदर ऑक्सीजन है इसके साथ आएगा आयोडीन, फिर सेकंड स्टेप आपका रेडिकल साइक्लाइजेशन स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, रेडिकल साइक्लाइजेशन स्टेप है। तो रेडिकल साइक्लाइजेशन स्टेप में ये जो अब फेस के अंदर OH था जो कि कन्वर्ट हुआ OI के अंदर, फिर इसका होगा क्लीवेज, यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास ऑक्सीजन रेडिकल, फिर ये ऑक्सीजन रेडिकल फिफ्थ पोजीशन के कार्बन से H को एक्सेप्ट करेगा, तो ये मिल गया मेरा H, फिफ्थ कार्बन के ऊपर क्या आया रेडिकल, ये रेडिकल किसके साथ अटैच होगा आयोडीन के साथ, फिर ऑक्सीजन के लोन पेयर किस पे अटैक करेंगे कार्बन के ऊपर, तो आयोडीन आपका बाहर और आपको बन गया साइक्लिक ईथर आपका अब फेस के अंदर आया, जिसे मैं येलो से मार्क करता हूँ, ये दिस 5 मेंबर साइक्लिक ईथर आपको देखने को मिला प्रोडक्ट। मैकेनिज्म अगर आपको देखना है तो वीडियो का इनिशियल 10 मिनट का पार्ट देखिए, आपको मैकेनिज्म सही से ड्रॉ आउट करके मिलेगा। फिर आपके पास एग्जाम्पल है दिस वन, ये है आपके पास OH टर्मिनल के ऊपर, हमने क्या यूज मिला लेड एसीटेट, तो लेड एसीटेट भी क्या करेगा O को OPbOAC के अंदर कन्वर्ट करेगा। फिर सेकेंड स्टेप आप क्या यूज मिला, ये आपका फर्स्ट स्टेप यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर आपने हेटेरो एटम जोड़ दिया, और सेकेंड स्टेप आपका क्या है HNU फोटोलिटिक कंडीशन है, तो ये होगा रेडिकल साइक्लाइजेशन रिएक्शन आपका रहेगा सेकेंड स्टेप। तो जो रेडिकल बना ऑक्सीजन के ऊपर जो रेडिकल मिला वो अब फिफ्थ नंबर के कार्बन से, यानी कि ऑक्सीजन को 1 नंबर देना स्टार्ट कीजिएगा, 1 फिर 2 ये 3 मेंबर कार्बन स्केलेटल साथ में, और ये यहाँ पे आपका फिफ्थ नंबर आपका देखने को मिलेगा, ये जो CH2 है ये फिफ्थ नंबर आएगा। तो क्या करेगा ये रेडिकल इस CH बॉन्ड में से, यानी इसके एक H के साथ रेडिकल परफॉर्म करेगा, ये 1 रहेगा, दिस मीन्स मैं अगर इसको ओपन कंडीशन में लिखूंगा तो सही से रहेगा, दिस कार्बन CH2, तो ये 2 3 4, देन CH2, तो ये हो गया आपका 5, और देन R, तो ये जो CH2 है 5 नंबर पे, इसको मैं थोड़ा सा और ओपन कर देता हूँ, ये एक H और दूसरा H, तो 1 2 3 4 5 नंबर के कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आपके इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो बनेगा क्या आपके पास दिस बनेगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड हो गया और इस कार्बन के ऊपर रेडिकल, अब आपने साथ में क्या लिया था आयोडीन रेडिकल, I2 भी लेना पड़ेगा यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, आयोडीन आपको लेना पड़ेगा HNU विथ I2, तो यहाँ पे मिलेगा आयोडीन का I डॉट, ये I डॉट इसके साथ कंबाइंड अप होगा, और अब यहाँ पे कार्बन आयोडीन बॉन्ड आया, अब ऑक्सीजन के लोन पेयर फिफ्थ नंबर के कार्बन पे अटैक करेंगे, आयोडीन आपका बाहर, और 5 मेंबर ईथर आपको देखने को मिलेगा, दिस वन साइक्लिक ईथर, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, ओवरऑल आपके पास रिएक्शन हुई कि जो आपका टर्मिनल एल्कोहल था वो इन द प्रेजेंस ऑफ लेड एसीटेट इन आयोडीन एंड फोटोलिटिक कंडीशन कन्वर्ट हो गया आपका साइक्लिक ईथर के अंदर, किसमें हुआ आपका
साइक्लिक ईथर के अंदर वो कन्वर्ट हुआ। नाम दे देता हूं उसको मैं साइक्लिक ईथर। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये आपका OH जो कि अब फेस के अंदर है, तो अब फेस के अंदर फिफ्थ पोजीशन फाइंड अप कीजिए। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये जो वेज के ऊपर है ये फिफ्थ पोजीशन है। तो यहाँ पे आपका रेडिकल साइक्लाइजेशन परफॉर्म होगा। पहले स्टेप के अंदर क्या लिया था आपने, लेड एसिटेट। सेकंड के अंदर I2 और HNO लिया है आपने। तो पहला O जो है OH जो है वो OPB के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर सेकंड HNO लिया है तो O डॉट रेडिकल बनेगा। फिर आपका क्या होगा, O डॉट रेडिकल फिफ्थ नंबर के कार्बन से हाइड्रोजन को एब्सेक्ट करके OH बनाएगा और फिफ्थ नंबर पे रेडिकल बनेगा। रेडिकल जो है वो आई डॉट्स के साथ कंबाइंड होकर CI बनाएगा और फिर ऑक्सीजन के लोन पे अटैक करके साइक्लिक ईथर बनाएंगे। ये हो गया आपका साइक्लिक ईथर। जो सेकंड नंबर का स्टेप वो क्या है, रेडिकल साइक्लाइजेशन। रेडिकल साइक्लाइजेशन रिएक्शन है हमारे पास। वापस से एक बार देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास। कॉन्सेप्ट क्या, ये स्टार्टिंग मटेरियल है हमारे पास, दिस वन साइक्लोहेक्सेन है जिसे हमने चेयर फॉर्म के अंदर ड्रॉ किया है। इसके कुछ सब स्टेटमेंट है, एक रहेगा इसका लॉकिंग ग्रुप आइसोब्यूटिल जो कि हमने इक्विटोरियल पे प्लेस किया है, एक है NO2 जो इक्विटोरियल पे है और CH2OAC ये है अब फेस के अंदर। हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज में ले रहे हैं ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड। ये सिंगल कंडीशन में अगर यूज में लेते हैं तो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इससे मुझे न्यूक्लियोफाइल मिलता है H-, और हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल रहते हैं वो चेयर फॉर्म के अंदर एक्सियल अटैक परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक, एक्सियल अटैक इनका रहता है, एक्सियल अटैक इनका देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है आपके पास NO2, क्योंकि NO2 अगर आपका लीव करेगा तो इससे जो एसिड बनेगा कॉन्जुगेटेड एसिड HNO2 नाइट्रस एसिड जो कि मोर स्ट्रांग है किससे, एसिटिक एसिड से, ACH एसिटिक एसिड से ये मोर स्ट्रांग है, इसलिए आपका क्लीव करेगा NO2। अब NO2 को क्लीव करवाने के लिए H- कहाँ से अटैक करेगा, एक्सियल पोजीशन से अटैक करेगा। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लेता हूँ, वापस से रिड्रॉ करता हूँ। जो भी हेक्सेन है ये आपका रहा OAC एक्सियल के ऊपर, इक्विटोरियल के ऊपर NO2 और यहाँ पे लॉकिंग ग्रुप है आपके पास आइसोब्यूटिल। ठीक, तो मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल है H- वो अब फेस से अटैक करेगा। अब फेस से अटैक करेगा तो जो CH2OAC अभी अप है वो चला जाएगा डाउन और NO2 आपका बाहर, और हमारे पास रिएक्शन क्या आएगी, दिस प्रोडक्ट आएगा मेरे पास एक्सियल के ऊपर एच, डाउन द फेस आपका रहा दिस वन CH2OAC और बाहर क्या निकल गया मेरे पास NO2- के रूप में बाहर निकल गया। ये हो गया इसका रिडक्शन। ओके, तो यही प्रोडक्ट है, एक्सेल प्रोडक्ट आपका मिलेगा जिसमें एक्सेल पोजीशन से आपका एच अटैक कर रहा है। इसी तरह अगर स्टार्टिंग मटेरियल मेरा ये दे रखा होता है दिस वन, अगर मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल इस टाइप से दे रखा होता, ये आपका लॉकिंग ग्रुप हो गया, यह आपका NO2 अब एक्सेल में दे रखा है और इक्विटोरियल में दे रखा है आपका OAC। तो इस कंडीशन में भी आपका जो न्यूक्लियोफाइल H- है वो अप पोजीशन से ही अटैक करेगा और NO2 का आपको बाहर निकालेगा। क्या करेगा, NO2 आपका बाहर जाएगा तो H अभी भी क्या रहेगा, अप पोजीशन पर रहेगा। कि हमेशा ऑलवेज जो आपका अप पोजीशन है वो ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम एक्सियल पोजिशन, इसे हमें याद रखना। तो एक्सियल पोजिशन से अटैक करवाओ, ये जो अटैक हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, ये हो रहा है इस पोजिशन के ऊपर, ये इस कार्बन के ऊपर हो रहा है। ठीक, तो आपका NO2 बाहर जा रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको मेजर प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, जिसमें H जो है वो एक्सियल पोजिशन के ऊपर रहेगा। मेजर प्रोडक्ट है ये 87%। ठीक, अब हमारे पास इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एक स्टार्टिंग मटेरियल दो टाइप के आपके पास दे रखे, ये है आपका A,
ये है बी रिंग। ए और बी के अंदर डिफ्रेंशिएट क्या कर रहा है, मैं एक को येलो से मार्क कर रहा हूँ जिसमें NO2 आपका एक्सेल के ऊपर है, और एक को मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ जिसमें NO2 आपका इक्विटोरियल के ऊपर है। और मैंने रिएक्शन किससे करवाई, ट्राइब्यूटिल टीन हाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। और हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा एच न्यू, ये है आपके पास न्यूक्लियोफाइल, और ये ऑलवेज क्या करेगा एक्सियल अटैक करेगा, एक्सियल अटैक करेगा आपके पास ऑलवेज। तो एक्सियल पहले वाले में एक्सियल अटैक करेगा अगर एच माइनस, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा ये NO2 एलिमिनेट, और जो CH2OAC अभी एक्सियल पोजिशन पर था वो इक्विटोरियल पर चला जाएगा, तो ये आपके पास CH2OAC आपका इक्विटोरियल पोजिशन के ऊपर आ गया, और यहाँ पे आया एक्सियल पोजिशन के ऊपर H स्टार बी रिंग के लिए। और ए रिंग के लिए भी आपका जो न्यूक्लियोफाइल एच माइनस है वो एक्सियल पोजिशन के थ्रू इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा अटैक करेगा, ये NO2 आपका बाहर होगा गुड लिविंग ग्रुप के रूप में, और H जो है वो एक्सेल पोजिशन के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, जिसे मैं पिंक से हाईलाइट करता हूँ। दिस वन पिंक सही नहीं है, आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम होगी, इसको मैं रब कर देता हूँ और इसे हाईलाइट करते हैं स्काई ब्लू से, जो कि एक्सेल पोजिशन के ऊपर है। तो बोथ आर गिव एक्सेल प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम एक्सेल पोजिशन इन चेयर कन्फर्मेशन। जब भी चेयर कन्फर्मेशन बनाएंगे तो गुड लिविंग ग्रुप चाहे इक्विटोरियल के ऊपर हो चाहे आपका एक्सेल के ऊपर हो, न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा एच माइनस या अदर न्यूक्लियोफाइल वो आपका एक्सेल पोजीशन के ऊपर या एक्सेल पोजीशन से अटैक करता है। ठीक, अब हमें पढ़ना है ऑक्सीजनेशन रिएक्शंस वाया रेडिकल मैकेनिज्म। तो इस लेक्चर को हम रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके अंदर हमने पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने दो कंसेप्ट पढ़े, एक था आयोडीनेटिंग रिएजेंट और एक था रेडिकल साइक्लाइजेशन रिएक्शन। तो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।